वेलकम फ्रेंड्स टू आर चैनल अर्निंग वाईपीटीसी। गाइस अर्निंग वाईपीटीसी एक फाइनेंस का चैनल है जहां पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आप कैसे फ्री में क्रिप्टो अर्निंग कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन लोन कैसे ग्रैब कर सकते हैं। मैक्सिमम वीडियोस प्रूफ के साथ आती है। अगर आपने नहीं चेकआउट किया है होम पेज पे प्ले लिस्ट मिल जाएंगी, आप वहां पे जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए आए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलें, सो दैट जो भी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार इस चैनल द्वारा मिलती रहेंगी। तो गाइस आज मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं अमेजन पे का ये क्रेडिट कार्ड जो कि आईसीआईसी बैंक द्वारा दिया जाता है। हाउएवर मेरा जो बैंक अकाउंट है वो आईसीआईसी में ही है, तो उसके हिसाब से मेरे को यहाँ पे जो लिमिट वगैरह ऑफर हो गई है, और हो सकता है कि अगर आपका बैंक ना हो तो कुछ स्टेप्स अलग हो सकते हैं, तो एक बार आप चेक कर लेना। लेकिन जो इसकी लाइव वीडियो है कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको इस वीडियो के कंक्लूड पार्ट में डाल रहा हूँ, सेकंड पार्ट में डाल रहा हूँ। और गाइज इसका एक खासियत यह है कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता, ना ही कोई ज्वाइनिंग फीस है, ना ही कोई एनुअल फीस है, बिल्कुल जीरो है। और ऊपर से आपको कैशबैक मिलता है जब भी आप शॉपिंग करते हैं अमेजन से, बहुत अच्छी बात है। जो भी है स्टेप्स वो आपको पता लग जाएंगे, कुछ फीचर्स वगैरह हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में कंक्लूड करने वाला हूं। और एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी बनाने वाला हूं, जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई क्रेडिट कार्ड उनका बन जाए विदाउट किसी टेंशन, विदाउट कोई इनकम प्रूफ, कुछ भी नहीं देना है। आईसीआईसी बैंक ने ही एक प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो गाइज मैं काफी स्टडी करता हूं आप लोगों के लिए, तभी मैं चीजें लेके आता हूं। तो अभी मैंने जो स्टडी करी है उसके हिसाब से ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा, जो लोग क्रेडिट कार्ड चाहते हैं उनको इजीली मिल जाएगा। मुश्किल से 10-15 हजार रुपए की आपको वो करनी पड़ेगी एफडी वगैरह, उसके हिसाब से आपको कार्ड्स मिल जाएंगे। तो जो भी डिटेल है आपको वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। चलिए अभी चलते हैं इस वीडियो की तरफ और जानते हैं इस कार्ड्स के बारे में। तो गाइज ये है जी अमेजन पे का कार्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं आईसीआईसी बैंक द्वारा मुझे रिसीव हो गया है। मेरा ही नाम है सुमित जायसवाल, ओके। और यहाँ पे भी कुछ अमेजन पे आईसीआईसी बैंक की ब्रांडिंग है। यार हम इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको बेसिकली दिखाने वाले हैं कि कैसा कार्ड ये वगैरह दिखता है। तो आप देख सकते हो अभी भी ये सील वगैरह लगी हुई है। चलिए मैं आपके आगे ही इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए गाइज मैंने ये टियर डाउन कर लिया है और अब इसको एक बार निकाल के देख लेते हैं कि हमको क्या क्या इसके अंदर मिलता है। बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ पे एड्रेस वगैरह आ रहा है। यार ये मैं हाइड कर दूंगा और इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये कार्ड आपको दिख जाता है और यहाँ पे देखिएगा कुछ इसके फीचर वगैरह बता रखे हैं इन लोगों ने कि भाई 5% कैशबैक मिलेगा आपको अमेजन पे अगर आप प्राइम कस्टमर हैं, 3% अगर आप प्राइम कस्टमर नहीं हैं, 2% कैशबैक मिलेगा अगर आप किसी मर्चेंट पे करते हैं अमेजन के, और 1% तो आपको सभी पेमेंट पे ये देता है कैशबैक, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिटेल इन्होंने दे रखी है और जो आप लिमिट देख सकते हो फिलहाल यार मेरी जो है वो 15,000 रुपये की है। ये कार्ड नंबर तो मैं हाइड कर दूंगा। अब ये 15,000 रुपये क्यों है, क्योंकि जो मेरा ऑलरेडी आईसीआईसी बैंक का जो कार्ड है यार वो भी 15,000 का ही है, तो ये सेम ही लिमिट मिलती है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं सोचा चलो यूज़ करके देख लेते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पे कुछ पिन वगैरह लिखा हुआ है कि आप कैसे पिन जनरेट कर सकते हैं, हालांकि मैंने इंटरनेट बैंकिंग वाली जो ऐप है उसी से ही पिन जनरेट कर लिया है और वो मैंने आपको बता ही दिया था। चलिए मैं इसको जरा यहाँ से डी अटैच कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसको चलिए साइड में रखते हैं, ऐसा काम हो गया है जी ख़त्म। और फिलहाल भाई ये है जी कार्ड। अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको भी यहाँ से थोड़ा सा अनब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइज ये कार्ड दिखता है ऐसा और जो नीचे की डिटेल है गाइज सॉरी फॉर डैट मुझे हाइड करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे अमेजन पे आईसीआईसी बैंक वगैरह लिखा हुआ है, कुछ चिप लगी हुई है और वैलिड फॉर्म 2 वैलिड 3 लिखा हुआ है और अपना नाम यहाँ पे चमक रहा है बाकायदा। वीज़ा ये कार्ड आपको मिलता है, यानी कि आप अमेजन पे इसको यूज़ करिए, आपको हर शॉपिंग पे तो 1% का कैशबैक मिलेगा। अगर आप प्राइम वगैरह कस्टमर हैं तो जैसे कि इन्होंने बताई रखा है कि कुछ स्पेशल उस पर 3-5% के आसपास मिल रहा है आपको कैशबैक, ठीक है। तो ये है जी इसका पीछे से, यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बस अमेजन ऐप ही लिखा हुआ है और स्कैन करिए और पे करिए, कुछ ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। तो गाइज ऐसा दिखता है आपको ये अमेजन पे का कार्ड और आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। और मैं जैसे कि बताया आपको कि इसका जो बेसिकली इसी वीडियो के आगे मैं जो इंक्लूड कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो गाइज देखिए अगर आप आईसीआईसी कस्टमर हैं तो आगे का प्रोसेस आप इस वीडियो का देख सकते हैं, और अगर नहीं है तो हो सकता है कि आपको कुछ अलग स्टेप देखने को मिले ये कार्ड अप्लाई करने के लिए। अगर आप आईसीआईसी बैंक के कस्टमर हैं तो यही वीडियो को आप फॉलो करिए, A to Z स्टेप मैंने आपको बताया हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स मैं क्यों जी स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे आपको देखिए होम पेज पे ही नजर आ जाता है अमेजन में अमेजन आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अमेजन पे का ये क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे कुछ इसमें लिखा हुआ है कि नो कॉस्ट EMI ऑलवेज अवेलेबल है, लाइफ टाइम फ्री कार्ड रहेगा, कोई आपको इसमें ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी, कोई आपको इसमें एनुअल फीस नहीं देनी, और 5% का लिमिटेड रिवॉर्ड्स पॉइंट आपको मिलता है। और रिवॉर्ड्स पॉइंट भी ये आपको आपके मेन बैलेंस में कन्वर्ट हो जाता है अमेजन पे के, ऐसा ये लोग बोलते हैं। तो मैंने क्या कि अभी अप्लाई तो नहीं किया था, बस एक बार टैप करके देखा था, तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है
अप्लाई करिए, 750 कैशबैक मिलेगा अगर आप प्राइम मेंबर है, 500 मिलेगा अगर आप अदर मेंबर हैं। और कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी रिवॉर्ड्स पॉइंट की। और यहाँ पे लिखा है एक रिवॉर्ड पॉइंट 1 रुपये का होता है और ये ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाता है अमेजन पे बैलेंस में मंथली। तो अच्छी बात है यार, अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया कार्ड है। अगर आपकी वाकई शॉपिंग बहुत ज़्यादा है अमेजन वगैरह से तो ये काफ़ी काम आपके आ सकता है। चलिए कंप्लीट और एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये चले जाता है जी ICICI बैंक की तरफ। अच्छा, हो सकता है कि आपका अकाउंट भैया इसमें ना हो, क्योंकि मेरा है ICICI बैंक में अकाउंट, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना नंबर इसमें डालने वाला हूँ, फिर गेट OTP के ऊपर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैंने अपना नंबर डाल दिया है और मैं इसको गेट OTP के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आ रहा है OTP हैज़ बिन सेंड। चलिए थोड़ा सा वेट करके देखते हैं कि भाई OTP आया है कि नहीं आया है। चलिए OTP आ गया है, ये मैं फिल कर देता हूँ। वेरीफाई के ऊपर गाइज मैं करता हूँ क्लिक। ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे क्या आया, एंटर योर एग्जिस्टिंग ICICI क्रेडिट कार्ड नंबर। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है कि आपका जो ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है आप उसकी डिटेल यहाँ पे शेयर करिए और जो लिमिट है यही शेयर हो जाएगी आपकी अमेजन पे ICICI क्रेडिट कार्ड बैलेंस में। तो ठीक है गाइस, चलिए जो मैं है, मेरे पास फिलहाल है, क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो पता नहीं क्या स्टेप होता। अगर फिलहाल मेरे पास तो है तो मुझे तो लिखना पड़ेगा ही। तो चलिए गाइस मैं लिख देता हूँ। तो गाइस ये डिटेल तो मैंने फिल कर दी, मैं करता हूँ प्रोसीड के ऊपर क्लिक। अब थोड़ा सा यार मुझे वेट करना पड़ेगा, अब जो लिमिट मेरी होगी वही मुझे यहाँ पर लिमिट दिखाएगा। हालाँकि ये जो मेरा एड्रेस है ये भी मुझे दिखा दिया, मेरी जो ईमेल है वो भी मुझे दिखा दी इन्होंने। ठीक है, सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं गाइस। और यहाँ पे कुछ आ रहा है कि ऑथराइज करने के लिए एक्सेप्ट एंड जनरेट कार्ड। चल मैं एक्सेप्ट एंड जनरेट कार्ड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। मे भी हो सकता है कि यार कोई डमी कार्ड मुझे जनरेट करके दे दे, क्या है जो भी है, तो देखते हैं गाइस क्या होता है अभी। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशन सुमित जायसवाल, हियर इज योर अमेजन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे देखिए कुछ ऊपर मैसेज भी आ गया है, योर अमेजन पे क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन कुछ करके आ गया है गाइज। यहाँ पे आ रहा है सी योर CVV, तो मुझे भी CVV नहीं देखना। यहाँ पे क्या है, देखिए दिस कार्ड विल बी एडेड टू योर अमेजन अकाउंट फॉर योर कन्वीनियंस, इफ रिक्वायर्ड यू कैन एनी टाइम रिमूव दिस कार्ड फ्रॉम मैनेज पेमेंट ऑप्शन। ठीक है गाइज, तो ये अमेजन कार्ड जो है भाई बन तो गया है। और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो है आप CVV यहाँ से देख सकते हो, और दिस अबाउ कार्ड विल बी डिलीवर्ड विद इन 7 डेज। यानी कि जो मेरा एड्रेस आ रहा था घर का, इनके पास ऑलरेडी है भाई, क्योंकि मेरा अकाउंट है इसमें ICICI बैंक में, तो इन्होंने तो सब कुछ वहीं से ही उठा लिया है। और जो मुझे लग रहा है कि जो मेरे इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट है जो मेरे पास फिलहाल है मेरे हाथ में, आपको तो खैर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसी की लिमिट शायद ये इन्होंने बना दिया है। बाकी यार मेरे जो क्रेडिट कार्ड का नंबर है वो भी दिख रहा है, वैलिड थ्रू भी यहाँ पे दिख रहा है, वैलिड फॉर्म भी दिख रहा है, तो कार्ड तो भैया जनरेट हो गया है। अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो मंगवा सकते हो, नहीं चाहिए तो भैया ऑनलाइन आप इसको यूज़ कर ही सकते हो। ठीक है, अभी क्रेडिट लिमिट कुछ यहाँ पे शो नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, नली दिखा रहा है, लेकिन क्रेडिट तो कार्ड तो वैसे चालू यहाँ पे हो ही गया है। CVV आप देख सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए ये था जी तरीका। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि भैया 7 दिन के अंदर आपके उसमें घर पे ये लोग आ जाएगा। बाकी लिखा है कि आफ्टर मूविंग अवे फ्रॉम दिस प्लेस यू कैन व्यू योर कार्ड डिटेल इन ICICI इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल। तो यानी कि मेरे सब पोर्टल में भी ये बेसिकली ऐड हो गया है। तो गाइस इसमें क्या है कि जैसे मैं आपका देखिए मेरा अकाउंट है हेलो सुमित, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं जाता हूँ अब योर अकाउंट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है आपको योर अकाउंट, मैं इसके अंदर जाता हूँ। जैसे कि उन्होंने बोला था कि आप मैनेज पे ही के अंदर जाके देख सकते हो, तो मैं देख लेता हूँ कहाँ पे आता है वो मैनेज पेइंग वगैरह। मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा गाइज कि वो किधर है। ये रहा, यहाँ पे आ गया है मैनेज पे ही ऑप्शन गाइज, यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ। तो ठीक है गाइस, सबसे पहला ही जो कार्ड है अमेजन पे ICICI क्रेडिट कार्ड मेरे अकाउंट में हो गया है ऐड। और जो मैंने प्रूफ के लिए जैसे कि मैंने बताया था आपको जो मैसेज आए थे वो भी एक बार देख लेते हैं कि क्या आया था। सबसे पहला मैसेज ये आया हुआ है कि ये राजी डियर कस्टमर, योर अमेजन पे ICICI क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन जनरेटेड, द कार्ड विल बी डेबिटेड योर मेलिंग एड्रेस विद इन 7 वर्किंग डेज। यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर आपके घर पर ये जो क्रेडिट कार्ड है आपको अमेजन के द्वारा ICICI बैंक के द्वारा दिया जाएगा अमेजन पे का क्रेडिट कार्ड। जो सेकंड मैसेज है गाइज वो भी बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फुल है। यहाँ पे आया डियर कस्टमर, 750 रुपये हैज बीन एडेड योर अमेजन पे बैलेंस फॉर साइनिंग अप फॉर
अमेजन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। तो यार ये भी फायदा है कि भाई कम से कम 750 रुपये आ गए, तो यार मैं तो भाई चेक करके पहले देखूंगा अपने बैलेंस को कि भाई वाकई आए हैं कि नहीं आए। मैं चलता हूँ अपना अमेजन पे पे, एक दो रुपया शायद पिछला हो सकता है, तो यार बिल्कुल मेरे अकाउंट में ऐड हो गए हैं 750 रुपये, जो कैशबैक था वो आ गया है। ठीक है, मतलब पहले नहीं था अब तो आ गया है, चलो जो भी है, मेरे कुछ बैलेंस था कम था लेकिन अब 750 रुपये भी ऐड हो गए हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था। तो चले फ्रेंड्स, ये सारी तरीका अगर आपका अकाउंट ICICI में है तो ये स्टेप थे। अगर हो सकता है आपका अकाउंट ICICI में ना हो तो कोई और स्टेप हो सकते हैं, जो मेरे पास अवेलेबिलिटी थी वो मैंने आपको जितना हो सकता है मैंने आपको करके दिखा दिया। तो चले फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।